पूरा। ये दोस्तों बता दूं, पहले बीच में तो और भी बाल मेरा झड़ गया था, लेकिन पूरी तरह से रिकवर हो गया है मेरा। तो दोस्तों जो भी जर्नी था मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिया है। दोस्तों आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वास्तव में मेरा डेली रूटीन क्या रहता है। अब जैसे कि मैं हेयर के लिए अभी सुबह क्या करता हूँ, शाम को क्या करता हूँ, और कौन सा मेडिसिन ले रहा हूँ, कौन सा मल्टीविटामिन ले रहा हूँ, जो भी कुछ आप लोगों के सामने दोस्तों मैं क्लियर करूंगा और किस तरह से अप्लाई करना हर चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वास्तव में मेरा दिनचर्या पर क्या चलता है। एंड दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज हमेशा मना करता हूँ कि भाई आप लोग ऑयल मत लगाया करो करके। तो आप लोगों को दिखा दूं दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लाइट है, जस्ट लाइट के नीचे जाता हूँ मैं। ये रहा दोस्तों, देखो ये ऑयल लगाने पर दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर बाल ही नहीं है। देखो ऑयल नहीं लगाई है, पानी जस्ट नहा करके ना मैं अभी फिलहाल आया हूँ, देख लो। तो देख लिया दोस्तों आप लोगों ने, और जितने भी भाई लोग हमारे इस चैनल पर नए भाई सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट मिलता रहे। और दोस्तों सबसे पहला मेरा रहेगा स्टार्टिंग में ये, जो कि मैं स्टार्टिंग में भी लगाता हूँ, और सर ने बोला है कि भैया अभी आपका हेयर लॉस हो रहा है तब तक इसको लगाओ करके। और दोस्तों यहाँ पर जितना भी मेरा बाल था इधर का पूरा ये गायब हो चुका था, अभी फिलहाल इसको लगाना स्टार्ट किया ना तो पूरी तरह से ये फिर से रिकवर हो रहा है, छोटा छोटा रूट आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों डेली रूटीन आप लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या क्या करता हूँ। तो सबसे स्टार्टिंग में मैं इसको लगाऊंगा, तो इसको कैसे लगाते हैं इसको भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा दोस्तों, सबसे मैं मॉर्निंग में क्या करता हूँ, HH ओमेगा का टैबलेट लेता हूँ, जो कि अपने लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, और जो भी इंग्रेडिएंट्स है इसमें ये आप लोग पढ़ सकते हैं ऊपर से। और इसमें ज़्यादातर दोस्तों ये रहता है, बायोटिन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, बाकी सब तो उसके सहायता के रूप में उपयोगी रहता है, मतलब नॉर्मली रहती है सब चीज़। सबसे जो मेन मुद्दा रहता है यहाँ पर बायोटिन का रहता है। और दोस्तों ये रहता है, इसका प्राइस पड़ता है कुछ आप लोगों को 230 रुपये, इसमें पड़ता है 10 टेबलेट के आसपास रहता है कुछ ऐसा। देखो दोस्तों ये सब चीज़ यार दोस्तों मैंने खाना छोड़ दिया था, एक से डेढ़ मंथ लमसम मैंने खाना छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही मैंने अपना स्थान परिवर्तन किया दोस्तों फिर से मेरे को खाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा बाल झड़ना स्टार्ट हो गया, इस वजह से फिर से खाना पड़ रहा है। अब ये दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसको सिर्फ मल्टीविटामिन जो बोल रहे हैं ना बायोटिन करके, सिर्फ इसको मैं मॉर्निंग में खाऊंगा, सिर्फ इसी बस को। और ये दोस्तों ड्यूटाथियोन देख रहे हो ना, मैं 5 दिन ओनली, ये देखो 5 गोली बस खाया हूँ, 5 दिन हो रहा इसको खाते हुए। और ये है दोस्तों ड्यूटाथियोन, ये है दोस्तों हम लोगों को खाना है सिर्फ और सिर्फ अभी, जब तक आपका बाल कंट्रोल झड़ना न रुक जाए तब तक। उसके बाद दोस्तों फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, सीधा ड्यूटाथियोन के बाद हमको फिर से शिफ्ट होना पड़ेगा इस पर, ये देखो लिखा हुआ है फिनास्ट्राइड करके, ये बायोटिन एंड फिनास्ट्राइड टेबलेट। तो दोस्तों अगर बाल झड़ना स्टार्ट हो रहा है ना तो इसको फिर से स्टार्ट करना पड़ जाता है यार, सबसे बड़ी मरने वाली बात यही है। अब दोस्तों मैं मॉर्निंग में क्या करता हूँ, इसको लगाऊंगा अभी लगाकर इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ये पड़ता है आपका 189 रुपये का, देख लो दोस्तों। मैं अभी खाया नहीं हूँ तो इसका क्या करता हूँ, एक टेबलेट निकाल लेता हूँ आप लोगों के सामने। ये रहा दोस्तों सीधा ये गया मुंह में, मैं इसको दोस्तों मैं रियल बात बताऊँ ना, मैं ऐसा नहीं खाता, पानी वगैरह करके आप लोगों को कल ही दिखा दिया हूँ उसको ना, मैं ऐसे ही खा जाता हूँ चबा चबा करके। उसको खाने पर दोस्तों मेरे को ऐसा फील होता है जैसे कि हम लोगों के यहाँ रहता है तुलसी का पत्ता, आप लोग जानते होंगे लगा होता है, तुलसी माता बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों सेम उसी के जैसे इसमें फ्लेवर मेरे को लगता है कि भैया पता नहीं है बायोटिन वगैरह अब तुलसी के पत्ता में रहता होगा ऐसा मेरे को लगता है, रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगर वैसा निकला दोस्तों बायोटिन अगर उसमें मिल रहा है करके, ये टेबलेट मैं बता रहा हूँ बाइकआउट कर दूंगा, बंद ही कर दूंगा, जब उसमें मिल रहा तो इसको खाने से क्या मतलब। और मैं 10-15 जगह तुलसी का पौधा लगा दूंगा, बस निकाल करके 2-2, 3-3 पत्ता खाते चले जाओ, बात ही खत्म। ये हो गया दोस्तों, और ये बाल थोड़ा सा ये सूख गया है। अब क्या करते हैं, अब इस पर दोस्तों उसको अप्लाई करके दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत लोग कंफ्यूजन पर रहते हैं भाई इतना बड़ा बड़ा बाल है मैं कैसे लगाऊं उसको ऐसे करके, तो आज आप लोगों को दिखाऊंगा अपने बाल पर उसको कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं क्या किया था कि रूम के अंदर था तो आप लोगों को दिखाया था कि भैया ये लाइट के नीचे कैसा दिखाई दे रहा था, अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं सनलाइट पर आकर के, ये रहा थोड़ा सा दिखा, अब दोस्तों मैं पूरी तरह से सनलाइट में आ गया, अब देखो ये कैसा दिखाई दे रहा है, अब पता नहीं कैसा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, मेरे हिसाब से दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब ऐसे में भली दिखाई देगा कुछ रेयर परफेक्ट दिखा दूं दोस्तों आप लोगों को। ये रहा सनलाइट में, देख लो दोस्तों किस तरह से दिखाई देता, नहीं तो बाद में आप लोग कंफ्यूजन पर रहोगे। तो ये रहा देख लिए,
और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज मैजिक दिखाता हूँ, ट्रांसप्लांटेड बाल है। देखो इतना ज्यादा ऐसा लग रहा है कि भैया यहाँ पर बाल है ही नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं देखने से। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, बाल तो मेरा सूख गया है ना, अब सूखने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कंघी करता हूँ। ये रहा दोस्तों कंघी लिया, अब दिखाता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को, क्योंकि क्या होता है दोस्तों बताऊं, बाल जो रहता है ना वो चिपक जाता है, चिपकने से ऐसा लगता है कि भैया यहाँ पर बाल है ही नहीं, ऐसा लगता है। ये रहा दोस्तों मैं इस बाल को क्या कर दिया, पूरी तरह से फुर्तीला कर दिया। अब फुर्तीला करने के बाद दोस्तों ये देखो कैसे दिखाई देता है, लग रहा है उतना ज्यादा खाली नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं थोड़ा अपना जो हेयर कट करता हूँ वो कर लेता हूँ। ये रहा दोस्तों देखो, ये रहा। तो दोस्तों ऐसा लगता ही नहीं है कि बीच में बाल वगैरह कम है, ऐसा कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि आपका जो बाल रहता है ना दोस्तों, मैंने जो सफायर ब्लेड में कराया ना सामने का बाल, ये बाल क्या करता है पूरा बाल को दबा देता है, पीछे का जो भी बिल्कुल कम कम लग रहा है ना, ये सामने का बाल इसको दबा देता है। और ऐसा नहीं है कि भैया ट्रांसप्लांटेड करा रहे, इसका मतलब ऐसा लगेगा कि भैया कम कम डेंसिटी लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप लोग देख लो। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आप लोगों को सामने ये करता हूँ, सामने जा करके, सनलाइट बोलते हैं इसको, सूर्य के सामने। देखो अब देखो कैसा दिखाई दे रहा है, ये देख रहे दोस्तों, आज अपना डेली रूटीन है दोस्तों, आज जो भी कुछ है दिखा दूं मैं। एंड इसको ऐसे करते हैं, ये रहा। और इसका ये सब चीज दिखने का मतलब है दोस्तों, ये है ओरिजिनल, पतला पतला जो बाल रहता है ना सामने की तरफ वो वाला बाल, और ये जो मोटा मोटा बाल है ना, ये डोनर एरिया से निकाला गया और सामने लगाया गया वो है। तो ये देखो दोस्तों अब मैं क्या करता हूं, इस पर इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिप्रो बेट, पता नहीं डिप्रो बेट प्लस लिखा हुआ है, प्लस करके लोशन, डिप्रो बेट प्लस लोशन, ओके कोई बात नहीं लगाते हैं। और दोस्तों इसको लगाने के बाद मेरे को फायदा हुआ है, ये तो मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ। तो चलिए आज इसको अप्लाई करने का तरीका दिखा देता हूँ मैं। दोस्तों मैं क्या किया हूँ, सनलाइट से जस्ट अपोजिट आ गया हूँ, सनलाइट उधर से आ रहा है, और अब देखो अब लग ही नहीं रहा दोस्तों कि आपका ये बाल जो है ना पूरी तरह से वीक है या झड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता। देख लो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब बाल फुर्तीला होता है ना तो जो भी बाल आपका झड़ा हुआ लगता है वो नहीं लगता। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, भाई ऑयल वगैरह आप लोग मत लगाना ट्रांसप्लांटेड बाल में, ट्रांसप्लांटेड बाल में आप ऑयल लगाओगे क्या होगा, यहाँ से 6-7 बाल लेगा, ये पतला सा कुछ इस तरह से हो जाएगा, चिपक जाएगा पूरी तरह से, फिर यहाँ से लाओगे फिर ऐसा सा कुछ चिपक जाएगा। वही बात है ना दोस्तों, चिपकता तो फिर अच्छा नहीं लगता, ऐसे फुर्तीला रखोगे क्या मस्त दिखाई देगा, देखो कितना घना लग रहा है देखने से, बस यही बात है यार। देख लो ये अपना सेटअप रूम है दोस्तों, देखो लाइव आता हूँ तो उसमें मतलब क्या करता हूँ, कलर चेंजिंग कर देता हूँ अपना बैकग्राउंड का। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भैया लोशन को लगाते समय मेरा कितना हेयर लॉस होता है, पूरे ए टू जेड स्पष्ट। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को जब भी ऑयल लगाते हो क्या करना पड़ेगा, ये अपना ये दर्पण लेना, तो यहाँ से क्या करना, मैं खैर मोबाइल में आज देख लेता हूँ, इसका जरूरत नहीं है आप लोग इसमें बाद में करना। तो यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने ये अपना बाल सेटिंग कर लिया, सेटिंग करने के बाद दोस्तों हल्का सा बाल को ऐसे लेना, ये हुआ बस लकीर बनाना है आपको, जैसे मांग निकालते हैं ना बस ये करना। और करने के बाद दोस्तों फिर इसको हम लोग क्या करना है, कुछ कुछ नहीं करना इसमें, वो लोशन है ये क्या करते हैं इसको हम कुछ ऐसा कर दिए, देखो दोस्तों लोशन के जैसा ही है। अब इसको क्या करना है, पूरा ऐसे अप्लाई करना है अच्छे से। तो दोस्तों हो सकता है मैं आप लोगों के सामने आधा अधूरा कर रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल में दिखाते समय ना दोस्तों पूरी अच्छे से अप्लाई करते नहीं बनता, जितना अच्छा से अपने दर्पण में करते ही बनता है। तो ये सब को दोस्तों ये सब जो लोशन है इसको पूरी तरह से अच्छे से अप्लाई करना है, जहां पर भी आपका बाल झड़ रहा है उधर पूरा। ये हो गया दोस्तों, फिर से मैं क्या करूंगा, इस कंघी को ऐसे रखूंगा, सीधा सामने खींचूंगा, इधर करूंगा, देख लो बन गया दोस्तों फिर से नया लकीर, ये रहा। अब यहाँ करूंगा, देख लो दोस्तों कितना डेंसिटी है आप लोगों के सामने ही है मेरा हेयर। इसको क्या करूंगा, फिर से मैं यहाँ ऊपर की तरफ डालूंगा, यहाँ पर ये लोशन क्या होगा पूरा बहते हुए, फिर से पूरा इधर ऐसे करना है, पूरा हो गया। अब इसको ऐसे सीधा खींचा, अब इसको क्या करना दोस्तों, ऐसे ऐसे करना है जिससे कि आसपास पूरा पूरा वो कवर हो जाए,
ये रहा। देख लो दोस्तों, अभी तक मेरा एक भी बाल झड़कर नहीं आया है, नहीं तो आप लोग बाद में हमेशा क्लियर मतलब कंफ्यूजन रहोगे कि भैया आपका बाल कैसा झड़ता होगा करके। पूरी तरह से दोस्तों इसने मेरा कंट्रोल करके रख दिया हेयर को, इतना ज्यादा बाल झड़ रहा था ना मैं क्या बताऊं। देख लो दोस्तों, फिर से वही लग रहा है ना, गंजापन जैसा बाल यार, आपस में चिपकता ना तो वैसे ही लगता है। ये रहा, इसको फिर से अप्लाई करते हैं हम, कहां पर, यहां किया, इसको फिर से अच्छे से लगाता हूं। तो यहां पर दोस्तों इसको भी हमने कर दिया, देख लो ये आपस में चिपकता है यार बाल, तो ऐसे ही दिखाई देता है दोस्तों। ट्रांसप्लांटेड बाल का एक यही नियम है। और ये सामने वाला जो है मेरा सफायर ब्लेड से हुआ, ये वाला उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगता आप लोगों को, इसी वजह से बोलता हूँ कि भैया जब भी हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे ना सफायर ब्लेड में ही कराओ करके। ये हुआ दोस्तों, फिर से इसको क्या करूंगा मैं, इसको ऐसे करूंगा, हल्का सा मांग निकालूंगा जहां पास ये सूखा सूखा है उधर। ये रहा दोस्तों, फिर से क्या करूंगा, यहां करूंगा एक बार पच, उसके बाद फिर हम करते हैं इसको पूरी तरह से अच्छे से अप्लाई। तो दोस्तों ये रहा, और ये रहा दोस्त, देखो ये है दोस्तों जेन्युइन बाल, मतलब ये ट्रांसप्लांटेड बाल नहीं है। इधर की तरफ किया ना ऊपर की तरफ, देख लो बाल आ गया, तीन बाल आया, लेकिन ट्रांसप्लांटेड बाल पर मैं किया एक भी बाल नहीं झड़ा। आप लोगों को इससे समझ में आ गया होगा दोस्तों कि भैया ट्रांसप्लांटेड बाल नहीं झड़ता, और जो भी झड़ता है आपका जेन्युइन बाल ही झड़ता है। तो जो हम लोग दोस्तों डॉक्टर हम लोग को देते हैं ना कि भैया खान पान में ध्यान रखो, मेंटेनेंस रखो, ऐसा बोलता है, तो ये अपना जो जेन्युइन बाल है उसको बचाए रखने के लिए बोलता है, क्योंकि ये वाला जो बाल है दोस्तों इस पर डीएचटी ब्लॉक बनता ही नहीं है, तो ये वाला बाल कभी भी झड़ता ही नहीं है। मतलब ये मान सकते हो 25 से 30 साल का इसको एवरेज दिया जाता है कि आप इतने साल तक इसको रख सकते हो करके। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने लगाने का तरीका बता दिया कि किस तरह से अप्लाई करना है, आप लोग इसको अच्छे से अप्लाई कर देना। और जैसे दोस्तों आप लोग कभी कभी मेडिसिन वगैरह लेते होगे, आप लोगों को पता होगा कि भैया मेडिसिन कैसे लेना है, तो आप लोगों को दिखाया था कि मैंने मल्टीविटामिन का कैप्सूल लिया था, अब मैं नाइट में क्या करूंगा, ड्यूटास्ट्राइड का कैप्सूल लूंगा, और वो कंटिन्यू आप लोगों को ड्यूटास्ट्राइड नहीं खाना दोस्तों, दो दो दिन गैप करके ही खाना है। जैसे मैं खाता हूं तो मेरा दो दिन गैप हो चुका है, आज फिर से नाइट में खाऊंगा, तो इस तरह से गैप करके खाना पड़ता है। तो जो भी रहेगा दोस्तों नाइट का मिनोक्सिडिल कैसे लगाना है, क्या करना है, वो नाइट में दिखाऊंगा। तो इसके बाद दोस्तों जैसे अपना लोशन लगा लिए, उसके बाद फिर से आप कंघी कर सकते हो, और फिर कंघी करने के बाद दोस्तों फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे कंघी पर कितना हेयर लॉस होता है। तो दोस्तों ये रहा मेरा कंघी, और देख लो इसमें कितना बाल आया है, एक दो तीन, एक पतला बाल करके चार, पीछे की तरफ करके ये रहा चार। अब दोस्तों आप लोगों के सामने मैं काउंट करूं तो कितना बाल आया, चार इसको पकड़ लो, और तीन बाल उसमें आया था, चार और तीन कितना हो गया सात, तो सात बाल आया, तो ये मेरे हिसाब से नॉर्मल है। और इतना ही बाल दोस्तों क्या होता है, जब मैं मिनोक्सिडिल अप्लाई करता ना उस समय भी आता है। और जैसे आप लोग कभी भी हेड वॉश में करता हूँ तो मेरे को समझ में आ गया 30-40-50 बाल आता है, तो वो नॉर्मल है, डरने वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि एक से एक साल एक मंथ दोस्तों मेरा लमसम हेयर ट्रांसप्लांट को कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता दूं कि भैया ऐसा नहीं है कि आपका बाल झड़ रहा है तो वो रिकवर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फिर से वो करा जाता है दोस्तों। देख लो ये ऑयल लगाने के बाद दोस्तों देख लो डेंसिटी अभी मेरा कैसा दिख रहा है, ऑयल नहीं है मतलब वो लोशन लगाने के बाद जो कि बाल चिपका देता है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को फिर जर्नी दिखाऊंगा अपना नाइट का कि नाइट में क्या होता है, जो भी कुछ है आप लोग वीडियो में आज कंटिन्यू बने रहो। तो दोस्तों खाना खा करके आ गया हूँ, और आप लोगों को मैं बताया था आज दो दिन हो चुका है, दो दिन तक मैं खाया नहीं हूँ ड्यूटास्ट्राइड को, आज फिर से एक कैप्सूल लेना है वो भी नाइट के समय में। तो खाना जस्ट अभी खा कर आ रहा हूँ, इसको ये ले लिया देख लो, मुँह में चला गया यार दोस्तों, देखो देसी जुगाड़ बोलते हैं उसको। तो चलिए दोस्तों ये सब हो गया, बायोटिन का जो कैप्सूल था मैंने इस सुबह खाया था, और ये ड्यूटास्ट्राइड जो अभी खा रहा हूँ ना ये नाइट में खा रहा हूँ, और दो दो दिन आड़ करके ही खाना है, ऐसे कंटिन्यू मत खाना आप लोग, नहीं तो फिर बहुत बड़ा साइड इफेक्ट देने को मिल सकता है। खैर दोस्तों मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, मैं 9 मंथ तक कंटिन्यू खाया था, कोई साइड इफेक्ट देखने को मेरे को नहीं मिला था। अब दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस क्या है कैसा वो तो मैं नहीं जानता। अब दोस्तों क्या करूँगा मैं, ये रहा अभी फिलहाल मिनोक्सिडिल यूज कर रहा हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ अभी फिर से हेड में अप्लाई करूंगा, और आप लोगों के सामने दोस्तों इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के सामने दिखाया था ना क्या नाम है यार उसका, लोशन लगाया था,
सेम वैसे ही इसको भी लगाना, लेकिन इसमें वैसा जैसे कंघी में ऐसे लाइन करके लगाना पड़ता है ना, वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ता इसको, वो थोड़ा अलग रहता है। सीधा ऐसे करो लगाओ, टिप टिप करके हो जाता है। चलो दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख लो मैं कैसे लगाता हूँ। ये रहा अपना दर्पण बोल सकते हो, जो कि ऐना, इसको ऐसे रखता हूँ। और ये रहा अपना टेबल, और ये रहा अपना मीनाक्षी। सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर दूँ, कैसे दिखाई देता दिखा दूँ मैं। कुछ इस तरह से रहता है देखो दोस्तों। और इसको मैं क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ इसके माध्यम से। तो 1 ml लेना रहता है, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि भाई 1 ml लो तो उसके हिसाब से लगाओ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो इसमें मैं लेता हूँ, और जो जितना भी स्कल्प है दोस्तों उसमें आपका पूरी तरह से अप्लाई करना रहता है, जहाँ पास आपका हेयर ट्रांसप्लांटेड एरिया है वहाँ पर। तो चलो दिखाता हूँ। तो दोस्तों मेरा हेयर का कंडीशन देखो, जस्ट सामने पर आप लोगों को लाइट देखने को मिलेगा, नीचे रखा हुआ हूँ टेबल में। और लगाने का तरीका जब से बेस्ट तरीका यही है। आपके पास 10-20 रुपए का जो भी मिरर होगा उसमें जाओ अपना देख सकते हो। और देखो दोस्तों कितना ज़्यादा भी डेंसिटी लग रहा है, क्योंकि बाल पूरी तरह से अलग अलग हो चुका है। देख लो बिल्कुल हाई लेवल डेंसिटी लग रहा है देखने पर ये रहा। और बीच का देखो दोस्तों पूरी तरह से खाली लगता है, देखो देख लिया ऐसे लगता है, खाली ऐसे लगता है, वहाँ की खाली वगैरह नहीं है पूरी तरह से। ये पूरा ये दोस्तों बता दूँ, पहले बीच में तो और भी बाल मेरा झड़ गया था, लेकिन पूरी तरह से ये रिकवर हो गया है मेरा। तो अब मैं दोस्तों इसको लगा करके दिखा दूँ मैं किस तरह से लगाना है। तो दोस्तों मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये रहा ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा ढक्कन रहता है, इसको निकालना पड़ता है। और इसमें थोड़ा बहुत मीनाक्षी रहता है, सीधी बात इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ ताकि वेस्ट ना हो थोड़ा सा भी करके। उसके बाद दोस्तों फिर इसमें क्या करना है अपने को, इसको ऐसे करना है, इसको पहले दबाना है, प्रेस करना है, ऐसे दबाना है। दबाने के बाद ऐसे करोगे फिर इसमें क्या है, मीनाक्षी ऊपर तक भर जाएगा। देखो 1 ml भी नहीं दोस्तों, 1 ml से थोड़ा सा खाली है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि भैया आपको 1 ml ही लगाना है तो आधा 1 ml ही लगाना है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है भैया कि आपका जो स्कल्प है दोस्तों उस पर अप्लाई होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मेरे हमेशा की तरह यहाँ से ही अप्लाई करता हूँ मैं, यहाँ से ऐसे। तो इसको ऐसे लगाता हूँ दोस्तों मैं, मेरे मोबाइल में दोस्तों मेरे को अच्छे से लगाते नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं दर्पण का इस्तेमाल करता हूँ। और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा वीडियो चलने के बाद में दिखाई देता है। तो मैं अपना दर्पण में देख रहा हूँ, मैं दर्पण में परफेक्ट समझ आता है मेरे को कि हाँ यहाँ यहाँ मीनाक्षी लग गया करके। तो ये रहा दोस्तों आप लोग सामने में पूरा लगा नहीं पा रहा हूँ ढंग से, क्योंकि दिखाई नहीं देता मेरे को मोबाइल में, ये रहा। तो मैं दोस्तों इसको अच्छे से अप्लाई कर लेता हूँ। तो आप लोग भी दोस्तों ऐसे ही लगाना। और आप लोग बोलते हो कि भैया मेरे ये जो ऊपर का एरिया देख रहे हो ना, ट्रांसप्लांटेड बाल हैं, तो मैं ऊपर की तरफ लगाता ही नहीं हूँ मैं रियल बात बताऊँ दोस्तों, तो ये है मेरा हाल चाल। तो ये रहा दोस्तों मेरा, अप्लाई कर रहा हूँ मैं, मिरर में देख रहा हूँ भाई, अपने आईने में देख रहा हूँ मैं, मोबाइल में नहीं देख रहा हूँ। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना इसको, क्योंकि मेरे को दर्पण में ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है। इसके बाद ये अपना पूरा अप्लाई हो गया। ये देखो दोस्तों खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। तो क्या करना, थोड़ा सा फिर से लेना है, बस अपने को स्कल्प में थोड़ा थोड़ा मीनाक्षी अप्लाई करना रहता है बस। ऐसा नहीं कि भैया आधा 1 ml लगाओ 1 ml लगाओ, कोई फिक्स नहीं है वैसा। ये रहा दोस्तों अपना हो गया अप्लाई, इसको फिर हम ऐसे करते हैं क्योंकि अपना टेम्पल भी ट्रांसप्लांटेड है। तो दोस्तों मैंने जितना भी लगाया था पूरा अप्लाई कर दिया, और आप लोगों के सामने है दोस्तों यहाँ पर, मोबाइल में नहीं दिख रहा है, सिर्फ ओनली 2 बाल झड़ा है मेरा फिर से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने लगाया था सुबह लोशन लगाया था, लोशन लगाने पर भी मेरे कितना बाल आया था, 7 बाल आया था, 7 बाल। और अभी आप लोगों के सामने है 2 बाल। और इसी तरह से दोस्तों आप जैसे नहाने के लिए जा रहे हैं, नहाने के बाद ऐसे ऐसे अपने बाल को जब आओगे नहा करके, अपने बाल को मतलब क्लीन करोगे, मतलब सुखाओगे, पानी को छड़ाओगे धीरे धीरे बिल्कुल, तो उसमें भी दोस्तों आपका ज्यादा नहीं बोलूंगा 6 से 7 बाल उसमें भी झड़ता है। तो मान के चलो एक दिन एवरेज लिया जाए कि 7 और 2 9, चलो 14 बाल उसको पकड़ लेते हैं, 9 हो गया,
उसको पास पकड़ लिए 10, तो मन के चलो 23 बार टोटल। तो 23 बार दोस्तों पर डे आपका झड़ रहा है, तो मतलब आप समझ जाना कि नॉर्मल है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों अपना अप्लाई हो गया, अब इसको कुछ नहीं करूंगा, सीधी सी बात ये दो हाथ लूंगा और सीधी सी बात ऐसे उठा दूंगा, देखो पूरा नीचे तक आ गया ना स्कल्प में, मीनाक्षी देख लो। अब इसको कुछ नहीं करूंगा, ऐसे ऐसे कर दूंगा, हो गया दोस्तों मीनाक्षी अपना हो गया, लग गया, देख लो दोस्तों मैं मीनाक्षी लगाने के बाद। और ऐसे एक्स्ट्रा एक भी मेरा बाल नहीं आया, सिर्फ इसी बस में दो बाल आया था वो आया, बाकी दोस्तों देखा जाए तो बाकी कोई भी बाल नहीं आया। तो दोस्तों जो भी जर्नी था मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिया। एंड दोस्तों एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, फिलहाल दोस्तों मैं इसका यूज कर रहा हूँ ये लोशन का, ये लोशन का जैसे दोस्तों मैं यूज करता हूँ ना सुबह लगाता हूँ, तो मैं एक बात बता दूं इसमें मेरा सिर दर्द होता है और ये मानकर चल सकते हो, सहन कर सकते हो। जैसे कभी कभी आप लोगों कहीं से ट्रैवल करके आते हो, कहीं पर जैसे थक जाते हो, जैसे कभी कभी धूप में निकल जाते हो कि ज्यादा चलना पड़ जाता है, तो जैसे सिर दर्द करता है ना नॉर्मली आप लोगों का, वैसा दोस्तों इसमें आपका सिर दर्द देखने को मिल सकता है, जो कि मेरे साथ हो रहा है। और कुछ भी नहीं है दोस्तों, आज का एक्सपीरियंस यही है और यही मेरा डेली रूटीन रहता है, और बाकी जो भी बीच में है अपना काम करने वाला काम रहता है, वीडियो बनाने वाला वो काम तो करते रहता हूँ। तो ये लोशन लगाने के बाद दोस्तों मेरा सिर दर्द देखने को मिलता है, अब इसके बारे में और कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं मेरे को देखने को कुछ भी नहीं मिला, जो भी चीज रहता है मैं क्लियरली आप लोगों को बता देता हूँ। और दोस्तों जो भी हम लोगों का जो दिनचर्या था वो आप लोगों को मैं दिखा दिया, आप लोगों को कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताना। और फिर चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय। और इस वीडियो को दोस्तों आप लोग जितना हो सके अपने जो भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जिसको कराना होगा उन तक इस वीडियो को पहुंचाओ, जिससे क्या होगा वो भाई भी हमारे साथ जुड़ सके और सब्सक्राइबर बन सके। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय।